हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन जो कल हमने पढ़ा था वन डे वन चैप्टर सीरीज के अंदर आज के कोर्स के अंदर मैं इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके साथ यहाँ पर करवाने वाली हूँ और एक छोटा सा टॉपिक रह गया था एक तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और एक वो कॉन्सेंट्रेट द यूरिन वाला जो मैकेनिज्म है ये दो टॉपिक रह गए थे तो ये हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट से चैट बॉक्स में ये बता दो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या पहले टॉपिक खत्म करें जल्दी से बता दो जैसा करना आज ही है दोनों चीज मैं सोच रही हूं पहले क्लास मतलब वो टॉपिक खत्म कर लें जिससे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर होगा ठीक है जल्दी जल्दी से आ जाओ फटाफट से लिंक शेयर कर लो सो वी कैन स्टार्ट विद क्लास इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ आप अनएकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं यहाँ पे जुड़ने का तरीका क्या है प्ले स्टोर पे जाओ प्ले स्टोर पे जाकर आपको अनएकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे स्ट्रीम पूछेगा नीट यू जी भरिएगा पूछा जाएगा प्लस या आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को आप ऑप्ट कर सकते हैं फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे उसके बाद इस तरीके से ड्यूरेशन आएगा कोई भी एक ड्यूरेशन आप ऑप्ट करेंगे गो फॉर वन एंड टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन टू ऑप्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी है पॉकेट फ्रेंडली भी है फिर आपको क्या करना है स्पेस होगा वहां पर आपको शिवानी कोड अप्लाई करना है शिवानी कोड अप्लाई करके आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे इससे क्या फायदा मिलेगा अगर आप शिवानी कोड अप्लाई करके पेमेंट करते हैं तो एक तो आपको आपकी फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ये फीस ऑलरेडी डिस्काउंट के बाद शो कर रखी है मैंने प्लस आपके जो भी ठीक तो है प्लस, हैं कुछ और जो सिर्फ और सिर्फ शिवानी अप्लाई करने से ही मिलते हैं आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू यू कैन बी पार्ट ऑफ माई बैच माई ग्रुप टेलीफोनिक एंड स्पेशल सुपर का पार्ट बन के नीट की जर्नी को तय करेंगे सुपर एटीज के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है करंट पोर्शन कैसे लेके चले बैक पोर्शन सही करने का तरीका क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करने हैं कहाँ से और कितने करने हैं जो डेली का जो स्ट्रैटेजी होता है ना कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो आपका हेड एक नहीं है वो मैं आपको देती हूँ यानी कि स्टडी प्लानर आपको मिलता है ठीक है आपको फ्री ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा डीपीपी क्वेश्चन बैंक ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वाई यूजिंग दिस कोड शिवानी ठीक है तो शिवानी कोड अप्लाई करके आप पेमेंट कर देंगे दैट्स इट सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत अगर आपको आए तो आप मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करोगे आप मुझे सब्सक्रिप्शन से पहले बात करने का तरीका अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो मुझे फॉलो करो फॉलो करने के बाद नीचे ड्रैग करने का ऑप्शन नीचे ड्रैग करोगे आप तो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं टू द पॉइंट अपना क्वेरी लिखिए हाय हेलो नहीं टू द पॉइंट मैम सब्सक्रिप्शन रिलेटेड बात करनी है आई विल कॉल यू आई विल रिवर्ट यू इन मैसेजेस को मैं रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ, ठीक है साथ साथ मुझे आप फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरी जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, उनका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा ठीक तो इट इज अबाउट दिस लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्लास चलो पहले ये करेंगे ठीक है पहले ये डिस्कस करेंगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे देखो क्या है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट क्या होता है देखो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो मैमल्स होते हैं ना दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा करने के लिए मैमल्स के पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस अ प्रोड्यूसेंट्रेटेड यूरिन इस यूरिन को प्रोड्यूस करने के अंदर एक तो आपका लूप लूप ऑफ हेनले एंड वासा लूपेक्टा ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है क्या बताया कि मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए एक तो आपका हैंडलेस लूप और एक वासा रखता, ये दोनों एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एज इट एजियर की बात कर रहे हैं अब वो क्या कह रहा है ध्यान से सुनना फिर डायग्राम के साथ दिखाती जाऊंगी फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है एक तो हैंडलेस लूप के अंदर टू लिम्स ऑफ लूप ऐसे एक हेयर पेंड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले दिस इज असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले तो वो कह रहा है कि जो फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है ना इन द टू लिम्स ऑफ हेन्डलेज लूप ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है अपोजिट डायरेक्शन में कैसे अगर एक में इस डायरेक्शन के अंदर है तो एक में इस डायरेक्शन में होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए हम कहते हैं काउंटर करेंट पैटर्न इसे क्या कहते हैं काउंटर करेंट पैटर्न ऐसे ही ब्लड का जो फ्लो है वासा रक्ता के अंदर वासा रक्ता में भी ऐसी दो लिम्ब डिसेंडिंग लिम्प ऑफ वासा रक्ता एंड डिसेंडिंग लिम्ब तो जो ब्लड का जो फ्लो है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रक्ता ये भी आपके इस काउंटर करंट पैटर्न पे ही होता है ठीक है ये देखो ये देखो सी इन द डायग्राम सी है मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने का एबिलिटी है मैमल्स के अंदर वासा रेक्टा प्रड्यूसिग्निफिकेंट रोल इन दिस इज दासा रेक्टा यानी कि यही है ये ठीक है अब इसमें बता रहे हैं कि फिल्ट्रेट का जो फ्लो है इन द लूप जैसे दिस इज द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ दिस इज द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेल्ले ऐसे ही वासा रेक्टा की मैं बात करूं मतलब ये ऐसे काउंटर करंट पैटर्न में होता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही हो रहा है फ्लो ऑफ ब्लड इन द वासा एंड फ्लो फिल्टरेट इन द ब्लड ऐसे काउंटर करेंट पैटर्न में हो रहा है काउंटर करंट पैटर्न मतलब समझ रहे अपोजिट डायरेक्शन में इसमें इस डायरेक्शन में तो इसमें इस डायरेक्शन में काउंटर करंट पैटर्न के अंदर होता है ठीक अब सुनो वो क्या कह रहा है बिटवीन द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करेंट इट हेल्प इन आपके ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता है टूवर्ड द इंटरस्टिशियम कैसे आप देखो मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी ऑस्मोलैरिटी थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोलीटर इनवर्स से कॉर्टेक्स में जो इतनी थी बारह सो तक बढ़ गई है इनर मेडिला के अंदर ये देखो सी द डायग्राम यहां पर यह कॉल्टेक्स रीजन में तीन है अभी बढ़ता जा रहा है इनर वेडिलिन पहुंचते पहुंचते ये बारह तक हो गई है तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ रहा है इसका कारण उसने बताया एक तो एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड एक यूरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैसे चलो मैं बताती हूँ दिस ग्रेडियंट ये जो है इट इज मेनली कॉज्ड बाय इसमें मेजर रोल है एन एंड यूरिया का ठीक है मतलब ये जो ग्रेडियंट है ये मेनली किस वजह से एनएसीएल एंड यूरिया की वजह से क्या डिटेल्स समझाऊंगी ध्यान से सुनना एन जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ होनले विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग डिस ऑफ वासा रेक्टा देखो मैं आपको ये डायग्राम में देखो बेटा ये जो है ना ये मैंने आपको बता दिया दिस इज द लूप दिस इज हैंडलेज लूप लूप ऑफ हेनले ठीक है दिस इज द वासा रक्टा फिर काउंटर करंट पैटर्न में है क्योंकि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऐसे ही नीचे और ये ऊपर जा रहा है तो काउंटर करंट पैटर्न में हो रहा है ठीक है ये जो स्मोलरिटी 300 से 1200 तक आई है ना इसमें कारण है द ग्रेडियंट इज ड्यू टू द ये यूरिया और आपके एक तो यूरिया का रोल है और एक आपके एन का रोल है अब सुनो मैंने यहां पे जैसे ये वासा रेक्टा बनाया मैंने यहां पर ये आपका वो वोमेंस कैप्सूल इसमें एफरेंट आर्टीरियल ठीक है फिर पीसीटी के बाद ये लूप ऑफ हेनले है ठीक है ये ये कलेक्टिंग डक्ट है अब ये वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच का ये जो स्पेस है ना बेटा इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम इसे आप कहोगे दिस इज द इंटरस्टिशियम इनके बीच का जो ये स्पेस है ना दिस इज द इंटरस्टिशियम दिस इज द इंटरस्टिशियम बीच का जो जगह है ना दिस इज द ठीक है इसमें ये बीच का जो जगह है, है? है ये वाला ये वाला ये वाला दिस इज द इंटरस्टिशियम अब बोला रोल किसका है एन एंड यूरिया का तो वो क्या कह रहा है ध्यान से देखो आप यू यू कैन यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम ये जो असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले है ना यहां से आपका एन निकला यहां से आपका एनएसएल ट्रांसपोर्ट होगा ये एक्सचेंज होता है ये NACL, देखो ये जा रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ के साथ ठीक है डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा लिंप ऑफ वासा रेक्टा से असेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा में गया एनएससीएल और फाइनली एनएसएल यहां पर आ गया इंटरस्टीशियम के अंदर आई बात समझ में क्या बोला सिंपल सी चीज पढ़ाई दिस इज द वासा रेक्टा दिस इज द लूप ऑफ हॉनले इनकी बीच वाला जो स्पेस है दिस इज द इंटरस्टिशियन ठीक अब मैंने बोला चाहे मैं वासा रेक्टा की बात करूं चाहे मैं लूप ऑफ हेनले की बात करूं इसमें जो फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो ब्लड जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करेंट पैटर्न में है इसमें इधर तो इसमें अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करेंट पैटर्न में हो रहा है ये जो ऑस्मोलैरिटी ऊपर कॉर्टेक्स में तीन था इनर मेडुलरी में बारह तक बढ़ गई इट इज दिस ग्रेडियंट इज ड्यू टू द

क्या क्या रखा है उसने ये जो ग्रेडियंट है ये मेनली एनएसीएल और यूरिया की वजह से है एनएसीएल ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग एनएसएल जो है ट्रांसफर हो रहा है ठीक है असेंडिंग लिप से ट्रांसफर होते हुए एक्सचेंज हो रहा है डिसेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा के साथ डिसेंडिंग से असेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा में जाएगा और फाइनली ये जो एनएसीएल है वो इसके बीच में आ गया था इंटरस्टीशियम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा जो अभी जस्ट डिस्कस किया ऐसे ही कुछ अमाउंट में यूरिया भी एंटर करता है इन द सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले ठीक है जो कि वापस इंटरस्टीशियम में चला जाएगा टू देखो इसी तरीके से कलेक्टिंग डे यूरिया असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ ये 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 कलेक्टिंग डक्ट है ना यहाँ से ये यूरिया आ रहा है यहां से ये यूरिया इधर आया तो यूरिया भी है आपके अभी इस इंटरस्टीशियम में एनए भी इंटरस्टिशियम में है तो ये करेगा कॉन्सेंट्रेट दूरियन देखो सिमिलरली कुछ अमाउंट में यूरिया आपके असेंडिंग लिप ऑफ हेडलेस लूप में विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता है दोबारा से इंटरस्टीशियम में ही आ गया अबाउट डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस ये स्पेशल टाइप ऑफ मतलब ये जो हैंडलेस हैंडलेसर वासा है का जो काउंटर करेंट मैकेनिज्म में अपोजिट डायरेक्शन में उस वजह से ये मेंटेन हो रहा है ये मैकेनिज्म हेल्प करती है टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट सेट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है और ऐसे इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट का प्रेजेंट होना इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टर ये आपके कॉन्सेंट्रेट करती है ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली फोर टाइम कॉन्सेंट्रेटेड इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उसके कंपेयर में सिंपल सिर्फ डायग्राम से समझने वाली चीजें हैं क्या क्या चीजें समझनी है सुन लो मैं पूरा बता रही हूं दोबारा से ध्यान से सुन लो दिस इज द लूप ऑफ हेनले ठीक है दिस इज द लूप ऑफ हेनले दिस इज द वासा रेक्टा मैंने बताया दोनों के अंदर फिल्टरेट जो है ना इसमें दिस इज दसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हैले इज द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले तो यह काउंटर करंट पैटर्न में ही फिल्टरेट का फ्लोर अपोजिट डायरेक्शन में एक में इसमें होगा तो एक में इस डायरेक्शन में होगा ऐसे ही वासा रेक्टा के अंदर भी ब्लड फ्लो काउंटर करेंट पैटर्न में हो रहा है देखो एक इस डायरेक्शन में तो एक अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करंट पैटर्न में ही होता है और इसके जो बीच का जो स्पेस है ना ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला दिस इज द इंटरस्टिशियम इसे आप कहते हो इंटरस्टीशियम अब मैंने बात की मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ठीक है ऑस्मोलिटी आपको ऊपर देखो 300 है 300 से 1200 तक हो गया है इसका कारण है इट इज ड्यू टू द ग्रेडियंट एल एंड यूरिया इस वजह से होता है इट इज ड्यू टू द यूरिया एंड एन तो क्या होता है तो आपने देखा कि एनएसीएल असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ से ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है ये गया डिसेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा के अंदर डिसेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा सेक्टा में जाएगा और असेंडिंग लिंप ऑफ वासा से ये में आ गया ऐसे ही मैं यूरिया की बात करूं तो ये कुछ यहाँ से होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है असेंडिंग लिंप से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और कलेक्टिंग डिट से ही वाप वापस फाइनली इंटरस्टीशियम में आ गया तो इंटरस्टीशियम में एनएसीएल एंड यूरिया का प्रेजेंट होना यही तो आपके ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं तो दिस इज इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ठीक है जल्दी बताओ यहां तक समझ में आया क्या बच्चों यहां तक समझ में आया फिर हम आगे ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और पढ़ लेते हैं देन वी विल स्विच टू क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इफ यस देन प्लीज हिट द लाइक बटन वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं अभी सिक्स हंड्रेड मोस्ट एक्सपेक्टेड सिक्स हंड्रेड नहीं वन थाउजेंड वन थाउजेंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज रन करने जा रही हूं कल से यहां पर ठीक है 1000 most tech, मतलब do or die questions है, वो करने ही करने ही हाँ पर आपके साथ practice crash course के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कल से लिंक शेयर करके आना इस स्ट्रेंथ के साथ मैं क्रैश कोर्स को कंटिन्यू नहीं करूंगी ठीक है एक हजार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कल से शुरू कर देंगे हम सुबह नौ बजे hmm. चलो नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ रहे हैं तो द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इट इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड द हार्ट ये तीन से पढ़ते हैं हम इसका रेगुलेशन डिटेल पढ़ाऊंगी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल बाय एंटी डायुरेटिक हार्मोन ठीक है क्या होता है ध्यान से सुनना कंट्रोल बाय एडीएच कंट्रोल बाय एंटी हार्मोन और तो हेडिंग डाल लो अब सुनो क्या कह रहे हो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं ना ऑस्मो रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये एक्टिवेट होंगे जैसे कोई ब्लड वॉल्यूम के अंदर या फिर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम के अंदर या फिर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या बोला ब्लड वॉल्यूम के अंदर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम के अंदर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर है उनको एक्टिवेट कर देता है कैसे देखो जैसे बता रहा है कि अगर एक्सेसिव लॉस हो जाए फ्लूड का फ्रॉम द बॉडी तो देर इज चेंज इन द बॉडी फ्लूड वॉल्यूम यानी कि लॉस हो रहा है ना बॉडी फ्लूड का तो ये ऑस्मो रिसाप्टर को एक्टिवेट करेगा इट एक्टिवेट दिस तो रिसेप्टे रिसेप्टर्स क्या करेंगे आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे लॉस हुआ है ना बॉडी का। तो एक्टिवेट एक्टिवेट हुए। को करते हैं जो एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर कह को रिलीज ये है ये वाटर के रीअब्सॉर्न के लिए रिस्पॉन्स वाटर का रीअबॉर्ब्शन करवाएगा फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इस वजह से डायरेसिस को रोकता है समझ में आई उसने बोला कि uh... ब्लड वॉल्यूम के अंदर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम के अंदर या आयनिक के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है इनको एक्टिवेट कर देता है तो उसने बोला कि अगर देयर इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी यानी कि बॉडी फ्लूड के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है लॉस हो रहा है ना बॉडी फ्लूड का तो ये क्या करेगा ऑस्मोरस एक्टिवेट हो गए हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे ये आपके एंटी हार्मोन का रिलीज करवाएगा, ये जो ये करवाएगा tibius, the, से जो करवाएगाटिक हार्मोन है यह रीअन करवाएगा फ्रॉम द द लेटर पार्ट ऑफ प्रिवेंटिंग इस वजह से को रोकेगा ऐसे ही अगर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम अब ये डायरेसिस को रोक गया फिर बॉडी फ्लुड वॉल्यूम बढ़ना लग जाएगा एंड इनक्रीज इन द बॉडी फ्लूड वॉल्यूम इट कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरसाप्ट अब ये ऑस्मोरेप्ट को बंद कर देगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है अपने आप इसका रिलीज सप्रेस हो जाएगा और इस तरीके से ये फीडबैक को कंप्लीट कर लेता है आई बात समझ में सिंपल सा है कॉन्सेप्ट बॉडी फ्लूड वॉल्यूम गिरा लॉस हुआ ऑस्मोरसाप्टर एक्टिव हुए ऑस्मोसाप्टर हाइपोथैलेमस को स्टिम्युलेट करेंगे वो आपके मेरा से एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रिलीज करवाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर का रीअब्जॉर्बन करवाएगा फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब वाटर का रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो बॉडी फ्लुइड दोबारा बढ़ेगा बॉडी फ्लुइड बढ़ेगा तो एडीएच का रिलीज सप्रेस हो जाएगा इस तरीके से फीडबैक मैकेटिक हार्मोन का रोल किडनी फंक्शन पर भी है क्योंकि ये क्या करता है इसका कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पर यानि कि constriction करवाएगा constriction होगा तो ऑब्वियस बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ठीक है ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो ग्लोमरल फिल्ट्रेशन रेट ये भी आपका बढ़ जाता है सिंपल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ क्या हो रहा है तीन कंडीशन बताई क्या कंडीशन थी चेंज इन चेंज इन ब्लड वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम आप चाहो तो एनसीईआरटी में साथ में ऐसे लिख लो या फिर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज आता है तो इससे क्या होता है अगर इस तरीके से कोई भी बदलाव आता है तो इससे क्या होता है यह आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है ऑस्मोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है क्या हुआ देखो देयर इज अब फ्लूइड का लॉस हुआ है यानी कि चेंज इन बॉडी फ्लूइड ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा ऑस्मोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे तो इससे क्या होगा आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर इसे अपन वेसोप्रेसिन भी कह रहे हैं वेसोप्रेसिन जो है ये रिलीज होगा बाय फ्रॉम

डाय तो वापस से बॉडी फ्लूड बढ़ जाएगा इनक्रीज इन बॉडी फ्लूड वॉल्यूम तो वापस से ये जो एडीएच है इसका जो रिलीज है ये सप्रेस हो जाएगा तो इस तरीके से कंप्लीट द फीडबैक ऐसे फीडबैक कंप्लीट होता है डज इट कंप्लीट दीट फीडबैक ठीक आगे बात समझ में तो ये एक तरीका है फिर किडनी फंक्शन पर भी कैसे करता है एडीएच क्या करवाएगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है किडनी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा

ये मैंने यहां बना रखा है इसका फ्लो चार्ट फ्लोचार्ट से ही देखो तो ये देखो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है ठीक है किडनी से आपका रेनिन रिलीज होता है साथ ही साथ लीवर से एनजियोटेंसिन रिलीज होता है एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट होता है इसमें रेनिन का रोल होता है ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से किडनी से जो रेनिन रिलीज हुआ है ना यह एनजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट कर देता है ये एंजियोटेंसिन टू इसके इफेक्ट हाइपोथैलेमस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और एल्डोस अड्र, ये एड्रेनल ग्लैंड पर है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में तो क्या करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ठीक है से मतलब ये थर्स्ट को प्यास लगती है इंसान वो पानी पिएगा पानी पिएगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एड्रनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाता है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवाएगा तो उससे भी फर्दर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये है आपका टोटल कंट्रोल बाय जे जी ए जेक्टाग्लोम ऑपरेटस ये आप देख लो लिवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन वन एनजियो एनजियोटेंसिनोजन एनजियोटेंसन वन में कन्वर्ट होता है ब्लड प्रेशर गिरता है ना तो किडनी से रैलीन रिलीज होता है वो एनजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन वन में एंजियोटेंसिन वन से एंजियोटेंसिन टू इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एल्डोस्टोरॉन का रिलीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन अगेन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा हाइपोथैलेमस थर्स को इंड्यूस करेगा इंसान पानी पिएगा इट विल ऑल्सो फ्लूड वॉल्यूम बढ़ाएगा इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ऐसे होता है देख लो बुक में जो लैंग्वेज लिखी वो पढ़ के सुना देती हूँ ये आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना ले बेटा इसका बस इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये देखो अभी रिलेट करना जो जे जी ए प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलर देर इज अल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लोर ब्लड प्रेशर तो आपका से जक, रेनिन रिलीज हो रहा था तो इट कैन एक्टिवेट ग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज द रेनिन रेनिन क्या करवाता है एनजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन वन में ये एनजीओटेन्सिन ओजन जो है ब्लड में उसको एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करवाएगा एंजियोटेंसिन वन फर्दर एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन टू सीवीएस में एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है देयर बाय एंजियोटेंसिन टू एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमने देखा एल्डोस्टोरॉन को भी रिलीज कराता है एल्डोस्टोरॉन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवाएगा सोडियम एंड वाटर का री हो रहा है ठीक है तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है फिर हाइपोथैलेमस के अंदर हमने देखा ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना इसको हम कहते हैं रास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ठीक है नेक्स्ट रेगुलेशन बाय एंटीडायुरेटिक हार्मोन हो गया कंट्रोल बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी नेक्स्ट एट्रियल ट्री factor फैक्टर ए एन एफ इसका क्या रोल है ये हम डिस्कस कर लेंगे ये और लिख लो तीसरा जो है ना लास्ट इसके अंदर एनसीआरटी में जिस तरीके से मैंने बनाया ना फ्लो चार्ट ऐसे नोट बनाते जाना बेटा देखो क्या हो रहा है एंड इनक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है ना एंट्री ऑफ हार्ट में तो ये क्या करता है ये आपके ए एन एफ फैक्टर का रिलीज करवाएगा जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा टू द एट्रिया ऑफ हार्ट में तो ये क्या करता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर ए एन एफ का रिलीज करवाएगा ये ANF क्या करता है ये वैसो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल कराएगा होगा, तो डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एन एफ मैकेनिज्म को चेक ऑन करने का काम करता है आगे बात समझ में तो ये हो गया मिक्चुरीशन वगैरह तो नहीं हो गया ये हम पूरा पढ़ चुके ये ये कुछ ये कुछ हैं के ये और पढ़ा देती मैं फिर करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो क्या होता है इससे ये यूरिया का एक्यूमलेशन करवा देता है ब्लड के अंदर इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती ना माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इस वजह से, से किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे पेशेंट के अंदर यूरिया को हीमो डायलेसिस, डायलेसिस पे डालते हैं ना उसके थ्रू यूरिया को रिमूव करवाया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस क्या करते हैं ब्लड फ्राम ए कन्वीनियंट आल्ट्रीज को हम डायलिसिंग यूनिट से आर्टिफिशियल किडनी में डालते हैं कुछ इतना ये नहीं आता मतलब तो हीमो डायलिसिस वगैरह करते हैं अगर रिवर्सिबल uh, रिवर्सिबल हो जाए किडनी डैमेज और लगता है कि भाई बाकी सब ट्रीटमेंट करके देख लें अभी इसे बचाया ही नहीं जा सकता तो फिर हम फाइनली किडनी ट्रांसप्लांट का किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज दल्टीम अल्टीमेट मैथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर इन एक्यूट रीनल फेलियर फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है एक सूटेबल डोनर को देखते हैं उसके लिए ठीक है एक है रीनल रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड यानी कि स्टोन तो किडनी स्टोन ही है स्टोन और मास ऑफ सॉल्ट ये आपके किडनी में बनते हैं हैं उसे अपन कहते है, रीनल कैल्फिला ग्लोमिलोनफ्राइटिस आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी तो इट इज द ग्लोमेरुलफ्राइटिस इट इज अबाउट दिस ठीक है नेक्स्ट चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैं भी एक सेकेंड क्वेश्चन निकाल लेती हूँ आपके लिए ऑल ऑफ यू गाइज रेडी फॉर दैट जी ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन द कैरेक्टरिस्टिक द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच विच इज कॉमन टू यूरिया यूरिक एसिड एंड अमोनिया आर फॉलोइंग वर्ड द ऑप्शन प्लीज हिट द करेक्ट वन आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स जल्दी क्वेश्चन नंबर वन गलत है मोहम्मद सरफाज अहमद गलत है क्या कर रहे हो यार इतना इजी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा था यूरिया यूरिक एसिड और अमोनिया के बारे में दे आर द नाइट्रोजनस वेस्ट करेक्ट ऑल आर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ना पहला तो सही है दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन नहीं अमोनिया को सबसे ज्यादा यूरिक एसिड को सबसे कम यूरिया को अमोनिया से कम लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा चाहिए होता है दे ऑल आर इक्वली टॉक्सिक गलत अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक और यूरिया अमोनिया से कम लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक है दे आर प्रोड्यूज इन द किडनी सब किडनी में नहीं बनते तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है

कल की क्लास में डिस्कस हुआ था जी जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर टू आई एम वेडिंग फॉर योर कॉमेंट्स आई एम वेडिंग फॉर योर कॉमेंट्स प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर ऐसे बी सी जेड मत लिखो क्वेश्चन नंबर टू का क्या है ऐसे आंसर कीजिए यस फेरेंजियल इंटेग्यूमेंट्री एंड द सप्टल नेफ्रिडिया सही तो है सेकंड करेक्ट है अर्थवॉर्म का ऐसे आंसर मत करो बेटा सेकंड का क्या है ऐसे करके आंसर करो which of the following option give the correct categorization of animal according to the type of nitrogenous waste they give out okay ammonotelic ureotelic or uricotelic इनके एग्जांपल्स से क्वेश्चन है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जल्दी 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 क्वेश्चन नंबर 3 वेटिंग फॉर योर रिस्पांस सेकेंड का नलाय को कौन कह रहा है ह्यूमंस बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल्स सब तो यूरियोटेलिक है ना तो ह्यूमंस जिसमें ये डाल रखा है तो सवाल ही नहीं उठता ठीक है ह्यूमंस यहाँ यूरियोटेलिक में ही होंगे अब लेकिन ये इसमें भी दे रखा है अमोनोटेलिक ये फ्रॉग लिजार्ड ये एक्वेटिक एनिमल्स थर्ड से दे रखा है ना करेक्ट मैच दे रखा है पिजन हाँ करेक्ट है क्या कर रहे हो यार बहुत कम बच्चे सही कर रहे हैं मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड जल्दी बताइए जल्दी जल्दी सिंपल है देखो ये एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड का तो वन है थर्ड का वन इसमें सी का वन दोनों में दे रखा है बी का टू है कि थ्री है बी का थ्री इनफेक्ट ठीक है थर्ड विल बी द करेक्ट वन क्या तकलीफ हुई फोर्थ का सी विल बी द करेक्ट वन यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गलत स्टेटमेंट पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता कीजिए जल्दी जल्दी बताओ जल्दी यूरियोटालिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म टालिक में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म में अमोनिया ही तो बनता है फिर अमोनिया आपका उसके अंदर कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर फिर ब्लड में जाके किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीट आउट होता है तो अमोनिया इज नॉट प्रोड्यूस ऑफ मेटाबोलिज्म बनता है गलत ही तो दे रखा ये रहा है नॉट बोल तो ये गलत दे रखा है तो इसलिए यही सही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पता करना था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिकोटालिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं इसमें यूरिकोटालिक यूरिकोटालिक क्वेश्चन नंबर सिक्स यूरिक एसिड बर्ड्स वगैरह में होता है ना बर्ड्स और इंसेक्ट यस इजी थर्ड विल बी द करेक्ट वन इजी क्वेश्चन है यार सिक्स का बी मैमल्स मैमल्स यूरिकोटालिक है क्या क्या यार वो यूरियोटालिक है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन यूरिकोटालिक एनिमल्स ओनली सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड ही जिसमें होता हो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर सेवन सयाली गोवर्धन करेक्ट है ठीक है सेवेंथ का रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंडस्लेन्स और इंसेक्ट ठीक है ये तो अमोनोटेलिक ऑप्टिक इंसेक्ट्स करेक्ट सेवेंथ का फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जांपल वो टेबल वाला ही तो है कल सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द एक्सक्रेटरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म सेंट्रीपेड प्रॉन एंड प्लेटफॉर्म प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर एट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन देखो अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रिटरी ऑर्गन क्या है अर्थवॉर्म के अंदर अर्थवॉर्म की मैं बात करूं है अर्थ के अंदर नाफ्रीडिया, नाफ्रीडिया सिर्फ एक से हो जाएगा दे ही सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है हटाओ ग्रीन ग्लैंड नहीं है क्रस्टेशियंस के अंदर एक में एक में ही दे रखा है नेफ्रीडिया तो बस बाकी कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे ही क्लियर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ नाइट्रोजेनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड Following were the option question number nine. Question number nine. Please hit the correct one. Question number nine. प्रिंसिपल नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इट इज सिंथेसाइज इन द लीवर बट मोस्टली थ्रू द किडनी यूरिया डिस्कस किया था ना अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर के अंदर लेकिन किडनी एज एट स्टार्ट में डिस्कस किया है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स दे एक्सक्रीट अमोनिया एज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस सिचुएशन गलत पता करना है जल्दी जल्दी आंसर करो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस सेकेंड विल बी द करेक्ट वन अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन अ गैश स्टेट नो ठीक है करेक्ट मैचिंग पूछा है उसने फॉलोइंग वर द ऑप्शन करेक्ट मैचिंग पूछा है करेक्ट मैचिंग क्वेश्चन नंबर इलेवन करेक्ट मैचिंग पूछा है क्वेश्चन नंबर इलेवन बर्ड्स ये नूरियोटालिक है क्या करेक्ट है ना बर्ड्स तो यूरिकोटालिक है फर्स्ट सही है फर्स्ट सही नहीं रखा है ठीक है बच्चों ये तुम्हारी इतनी बुरी के साथ तो मैं सेशन कंटिन्यू करने वाली नहीं हूँ ठीक है क्लास कल से मैं पूरा आपको स्केड्यूल दे दूंगी ठीक है कि कोर्स किस तरीके से रन करना है। वेरी एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद द क्लास चलो नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद द क्लास 1000 थाउजेंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगी किसको चाहिए लेटमी नो ठीक है अनाउंसमेंट वीडियो कल बना दूंगी आज रात में ही बना दूंगी मैं इसका सो वी कैन सी दैट ठीक चलो इट इज़ ऑल अबाउट दिस आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद द क्लास आज के लिए इतना ही है तुम्हारा हो गया ये यहाँ पर मैं यहाँ पर करवा चुकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है इट इज़ ऑल अबाउट दिस थैंक यू सो मच आप अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो पर फॉलो कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे यहाँ फॉलो करके नीचे ड्रैग करते हो तो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है भी चल रही है. उन स्पेशल क्लासेस का लिंक में शेयर कर दूंगी आज तो नहीं लूंगी मैं कल से रोज शाम चार बजे चल रही है यस्टरडे भी कल भी क्लास हुई थी शाम चार बजे मैंने टारगेट दे रखा है One One सीरीज में जेनेटिक्स अपना पूरा हो चुका था कंप्लीट इकोलॉजी और कंप्लीट रिप्रोडक्शन यूनिट में कर चुकी तो इन्हीं का टेस्ट यहाँ चल रहा है कल शाम चार बजे से आप ज्वाइन करेंगे कल मॉर्निंग नाइन ए एम आई विल कम अप विद द वन थाउजेंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे तो देखते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंगली अदरवाइज मैं ट्वेंटी वाला बैच वाला रन ही नहीं, नहीं करूँगी ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज एट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू बाय बाय